खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की पाठशाला है और कांग्रेस नेताओं ने मानो झूठ बोलने में PhD कर रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया जबकि भाजपा सरकार ने जनता की थाली भर दी है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस की झूठ की पाठशाला में ट्रेनिंग लेने वाले ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कांग्रेस का झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कपूर ने कहा कि कुछ माह पहले कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया गया था जिसमें कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने थालियां व चम्मच बजाए थे। कपूर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ता इस तरह से थालियां व चम्मच वर्ष 2014 से पहले बजाने चाहिए थे जब दालें 200 से अधिक पहुंच चुकी थी, जबकि वर्तमान में दालों की कीमत खुले बाजार में 50 से 55 रुपए है। कपूर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में दालों व चीनी की कीमत 5 रुपए कम कर दी है। दालों व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की सप्लाई भी नियमित की गई है। कपूर ने आरोप लगाया कि नगर निगम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तथा निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर निगम द्वारा दोनों हाथों से धर्मशाला को लूटा जा रहा है। यहां पर सफाई व्यवस्था बदहाल ही नहीं बल्कि तहस नहस हो चुकी है। कपूर ने आरोप लगाया कि नगर निगम में कांग्रेस समर्थित पार्षद झूठ की राजनीति कर रहे हैं और शहर की उचित मूल्य की दुकानों में राशन ना होने की बात भी झूठी और राजनीति से प्रेरित है। देखिए, 19 तारीख को समाचार पत्रों में एक समाचार छपा, धर्मशाला शहरी क्षेत्र में राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा, सप्लाई नहीं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, वो झूठ ज्यादा और राजनीति की गंध उसमें बहुत ज्यादा आ रही थी। मैंने सारी जानकारी ली, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं, यही धर्मशाला नहीं पूरे प्रदेश में जाना। और जब नीचे से सारी सूचना ली गई तो जितने नगर निगम क्षेत्र में जितनी फेयर प्राइस शॉप हैं उनसे जो मुझे सूचना आई, और फेयर प्राइस शॉप को चलाने वाले चाहे उसमें सोसाइटीज हैं चाहे किसी का अलग से जिसको डिपो दिया गया है, उनकी लिखित स्टेटमेंट मेरे पास आ गई और हम डेली चेक करते हैं तो ये पाया गया कि राशन लोगों को नियमित रूप से मिल रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इन्होंने जो झूठ की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण किया है और झूठ बोलने में ये बहुत निपुण है, इनका झूठ यहां नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे लोकसभा में तो पूरे विश्व ने उनका झूठ भी देखा है। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही इतना झूठा हो तो उसके कार्यकर्ता किसे हो सकते हैं। तो उन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया, झूठा वक्तव्य था वो। उनको जो करना चाहिए सफाई व्यवस्था नगर निगम में चरमरा नहीं तहस नहस हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और नगर निगम की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती, 3-3 महीनों के बाद बैठक हुई है। तो उनको पहले अपना सुधार करना चाहिए,